आने वाले तीन दिनों के अंदर अंदर प्रत्येक बंधन आपको छोड़ के भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इन तीन दिनों के अंदर अंदर आप बड़ी आशीष पाएंगे दोस्तों, बड़ी आशीष पाएंगे। बड़ी बड़ी दीवारें जो आपके सामने खड़ी हैं यीशु मसीह के नाम से आप गिरती हुई देखेंगे। आने वाले तीन दिनों में विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर दे हो तो ये सब होने वाला है हमारे सब के बीच यीशु मसीह के नाम से। आने वाले तीन दिनों के अंदर अंदर आप बड़े बड़े राजा को समुन्द्र में डूबता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने विश्वास की आंखों से देखा है, इतने लोग अच्छे हुए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उन्होंने निजात पाई है। विश्वास करिए, आप बीमार नहीं हैं। आराम से खड़े रहिए, आराम से।
सारी ताकत को यीशु मसीह के नाम से बंद उसके अनुग्रह में बीखते रहिए, पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए। पैरों की तली से लेकर सिर के बाल तक प्रत्येक जन को यीशु मसीह के लहू के नीचे लेके आते हैं, फिल दे, फिल दे। मैंने बोला आने वाले तीन दिन, मैं आपको सच कहता हूं, आपको सच कहता हूं, अभी दीवारें गिरनी शुरू हो चुकी हैं, अभी फ्राउन राजा आप समुद्र में देखो डूब रहा है, अभी बंधन टूट रहे हैं, अभी बंधन टूट रहे हैं, अभी उसका अभिषेक यहाँ कार्य कर रहा है। जब उसका अभिषेक कार्य कर रहा है तो आप बीच में बोलिए मत, उसको कार्य करने दीजिए, उसको कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को समय चाहिए, वो कार्य करना चाहता है। और विश्वास करिए, जब भी कोई यीशु मसीह के पास आता था, एक सवाल यीशु से पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है? लोग बोलते थे, प्रभु हम विश्वास करते हैं। तो उसने बोला, फिर आंखें खोल के देख, तो अंधा देखने लगा, लंगड़ा आया, उसको भी यही बोला, तू विश्वास करता है? उसने बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। उसने बोला, फिर उठ के चल, तो वो चलने लगा। ऐसा यहां हो रहा है, ऐसा यहां हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कितने लोग हील हो रहे हैं, अदालत वकालत से छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, आपका फेवर हो रहा है, आपका फेवर हो रहा है।